सबर कर देख तबियत खराब हो जाये तब फेन बाल बच्चा जो बा सब हेमान उठ पानी पिय मुँह में डाला का तीन दिन से तुम सुन ले खा पिय थोड़े पानी अधिक हमारा दुख बा जे तहार बा तारा लगे बा नाम पके गए ऐसा बात नहीं के दुख हम लोग बहुत बा जे बच्चा को हम खिलाए थे नाचे थे हमारा दुख नहीं के मात्र सुन तबियत खराब हो जाये हम जान जल्दी कितना पसवा सफल इनके घर है एकदम नौकरी मिलना चाहिए आप पूरा परिवार के खर्चा भी चाहिए। आज एक हमारे देश के लाल चले गए शहीद मन्नू शर्मा जी के यहाँ आज सुबह से ही लोग आ रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हथुआ नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि और जिला पार्षद बहुचर्चित समाज सेवी मुन्ना किन्नर जी आए हुए हैं और शहीद मन्नू शर्मा जी के चित्र पर देख सकते हैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिला पार्षद मुन्ना किन्नर जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धा के पुष्प और श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मुन्ना किन्नर जी और इनसे जरा बात भी करते हैं क्या कुछ कहेंगे आज एक और जवान अपने यहाँ के शहीद हो गए। हमको तो बहुत दुख के बात है जी। आज एक हमारे देश के लाल चले गए जी बहुत दुख के हमको बात है। क्या मांग करेंगे केंद्र की सरकार से कि यह परिवार है इस परिवार को क्या मिले नौकरी मिलनी चाहिए क्या मिलनी चाहिए। हमारे तरफ से ही मांग है प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति साहब से और मुख्यमंत्री जी से ये बस इनके घर है एकदम नौकरी मिलना चाहिए आप पूरा परिवार के खर्चा भी चाहिए। अब वो तो जवान को शादी हुआ नहीं था हाँ माता पिता अब माता पिता हैं उनका बड़ी पसेवा से पाले हैं पोसे हमको भी तो बहुत दुख है हाँ सरकार से हाथ जोड़ के विनती करके हम कह रहे हैं जो उनको उनके घर में नौकरी मिलना चाहिए और सुरक्षा भी मिलना चाहिए उनके पूरा परिवार के। मुन्ना किन्नर जी थे इनका कहना है कि परिजन जो हैं परिवार के जो सदस्य हैं उनको वो एक नौकरी मिलनी चाहिए पर्याप्त मुआवजा मिलनी चाहिए और पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि मन्नू कुमार शर्मा जो था वह लड़का देश की सेवा के लिए देश की माँ भारती की सेवा के लिए माँ भारती की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाला वह जवान आज इस दुनिया में नहीं रहा उसे शहादत मिली और उसकी खबर सुन करके जिला पार्षद मुन्ना किन्नर जी भी आए थे और आकर के यहाँ उनके तैलचित्र पर श्रद्धांजलि दिए पुष्पांजलि अर्पित किया और सरकार से मांग भी की है कि सरकार जो है पीड़ित परिवार के जो लोग हैं परिजन हैं जो सदस्य हैं उनको एक नौकरी मिले मुआवजा मिले तमाम मांगों के साथ मुन्ना किन्नर यह कहते हैं कि केंद्र की सरकार जो है तत्काल इस पर अमल करे तत्काल इस पर डिसीजन ले और पीड़ित परिवार को तत्काल नौकरी दे। नमस्कार तबियत खराब हो जाये चाची हम जान जाए कितना पसवा सफल ले हम जान पानी मत रहा हम नहीं जाना तसे अधिक हमारा दुख बा जा दिन का शादी होता ब्याह होता हम आते वो बच्चे में कल से हम तबियत खराब बा मेरी बात सुना चाची हमारे बात ना सुन पहले बात सुनो हम हमारे बात सुन जे तहार बा तारा लगे बा
नाम पकड़े ऐसा बात नहीं है, दुख हम लोग बहुत बात जो बच्चा को हम खिलाए थे नाचे थे मतलब दुख नहीं के। सबर कर देख तबियत खराब हो जाए तब फेन बाल बच्चा जो बा सब हेवान उठा पानी पियो मुंह में डाला का तीन दिन से तुम सुनने वाले तब से क्यों खा पी थोड़े पानी बमनी बमनी है वो बमनी सबर कर चल आसमान जाए छोट हो देगो बेटा बिया पेट पोछाना तो गलती का नहीं बमनी एक बार कुछ हो जाए मेहनत पूरा छिप रह जाए केहू ना ठीनू सबर कर हाँ हमार माई आप अब सबर कर हम आए आते जाते जाए दिन नाम पके नाम कर गलती का